भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करती है तो हम लोग यूसीसी उत्तराखंड लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प, मैं समझता हूं ये सदन बहुत सौभाग्यशाली है कि आज वो संकल्प और संकल्पित मुख्यमंत्री का संकल्प आज पूरा हो रहा है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है कि नीति निर्देशक में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया कि राज्य समान नागरिक आचार संहिता बनाने की दिशा में कार्य करेगा। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा समान नागरिक संहिता को पहले अनुच्छेद 35 व बाद में अनुच्छेद 44 में समायोजित किया गया तथा संविधान सभा में व्यापक बहस के उपरांत यह राष्ट्रहित में उचित पाया गया कि देश में एक समान नागरिक आचार संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनको हम हमेशा श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, आज भी सुबह बड़ी अच्छे भाव से, चाहे पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग हों, सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या उनके बारे में जिक्र किया और उन्होंने भी हमेशा वो पक्षधर रहे हैं समान नागरिक आचार संहिता लागू हो। संविधान सभा के कुछ सदस्य जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस समय जो मुस्लिम सदस्य थे इस्माइल खान, नजीरुद्दीन अहमद, पोकर साहिब, बहादुर आदि के द्वारा भी समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं किया गया। ये बड़े जो लोग आज चर्चा करते हैं, जो जाति आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने का काम करते रहे, उनको आज समझना होगा कि ऐसे लोगों ने उस समय समान नागरिक आचार संहिता का उल्लंघन का विरोध नहीं किया, अपितु कहा कि देश के बंटवारे का यह समय समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए उचित नहीं है, लेकिन इसे उपयुक्त समय पर लागू किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती केरल सरकार, 1985 में मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम, 1995 सरला मुदगल यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 में शबनम हाशमी यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का सायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया जैसे अनेकों याचिकाओं की सुनवाई के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर अपने निर्णयों में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के पक्ष में उचित टिप्पणियां की गई। मतलब उच्चतम न्यायालय तब भी इन्हें लगातार समय समय पर अपने उचित टिप्पणियां करता रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत देश में आपराधिक मामलों के लिए, दीवानी मामलों के लिए सभी वर्गों पर समान कानून लागू है। व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए भी समान कानून लागू कर भारत की मूल भावना अनेकता में एकता के लिए यूसीसी एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े विनम्र भाव से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अक्सर हम लोग हिंदू मुस्लिम इस प्रकार की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जहां हम विभिन्न संविधानों में, जैसे हिंदुओं में पुत्र पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने का 2005 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो, 3 तलाक कानून बनाकर कुप्रथा को समाप्त करने का भारत सरकार का प्रयास हो, या रखरखाव तथा संरक्षिता आदि से संबंधित विषयों के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो, समिति ने व्यापक विचार विमर्श के उपरांत यह पाया कि किसी भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सामूहिक सोच एवं आपसी सहमति तथा डिमांड होनी चाहिए। सरकार का कार्य तब प्रारंभ होता है और उस दशा में यदि कानून बनाया जाता है तो यह कानून बहुत ही सहज और सुलभ ढंग से लागू हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो समान नागरिक आचार संहिता के विषय में मैं आपके सामने एक विषय और भी रखना चाहता हूं। आज यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले यदि मैं बात कहूं, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, मैं यदि थोड़ा सा
पहले की स्थिति में जाऊं तो माननीय अध्यक्षा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग देश में काम करते थे। कृपया आपस में बात मत करो भाई, बहुत भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का मूल भारतीय जनसंघ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं आज उसको भी दोहराना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ ने शुरू से हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी विधेयक वापस लेने की हमेशा बात कही थी। ये बात 1962 के माननीय अध्यक्ष जी, और 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत 1967 में की थी। 1971 में भी अपना वायदा दोहराया था, महोदया तदुपरांत देश में एक ऐसा समय आया कि जब इमरजेंसी लागू की गई, हम सब जानते हैं किस प्रकार का उस समय तांडव, किस प्रकार का हालात देश के अंदर पैदा किए गए थे। इमरजेंसी लागू की गई, हमारे अनेकों नेता जेल में ठूस दिए गए, उनके साथ यातनाएं दी गई, क्योंकि मैं, हमारा परिवार भी भुक्त भोगी उस समय का रहा है। मेरा भाई जो दिवंगत हुआ है अभी 4 दिन पहले, उसने वो यातनाएं उस समय सही थी। और 75 के बाद 77 में हमारी भारतीय जनसंघ एक जनता पार्टी के रूप में विलीन हो गई, और 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जो हमारे पहले अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और मैं समझता हूं जिनको हम अजात शत्रु के रूप में जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने, देश के अनेकों लोग उनको बहुत श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका आदर करते थे। और मुझे ये भी याद है कि 1984 में इसी भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर जब चुनाव हुआ, मात्र 2 सांसद उसके जीत के आए, और उस समय भी तब भी हम लोगों ने एक भाव रखा था, हमने राम मंदिर बनाने का यूसीसी को अपने उस चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था माननीय अध्यक्ष जी। और 1989 में 2 से बढ़कर 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हुई। 1991 मध्यावधि चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी तब भी यूसीसी और राम मंदिर का हमेशा उसने अपने घोषणा पत्र में अपने मूल में रखा था, लेकिन संख्या कम होने के आधार पर, जैसे आज हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि बहुमत के आधार पे जो है बहुमत के आधार पे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, कब देश आजाद हुआ, तब से लेके आज तक ये यूसीसी लागू क्यों नहीं हुआ? तब भी आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, खाली तुष्टिकरण के आधार पर, जातीय संतुष्टि के आधार पर इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, जितने हमारे यहां पे लोग बैठे हैं, 2014 में वो समय आया जब देश ने में एक परिवर्तन, और उस प्रकार का परिवर्तन जब एक देश के ऐसे एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस 10 साल के अंदर विकास की अनेकों गाथाएं लिखी हैं, 9.5 कर ले, 5-6 महीने में भी और गाथाएं लिखी जाएंगी। इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसे ऐसी गाथाएं विकास की लिखी गई, और साथ में सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और हम लोग जितने यहां उत्तराखंड के लोग हैं, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं, इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज वो विषय, वो गौरवशाली क्षण आज हमारे इस उत्तराखंड की इस पावन धरती पर, आज इस विधानसभा में लिखा जा रहा है वो क्षण, वो ऐतिहासिक, जो ये दिन जो है पूरे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में माननीय अध्यक्ष जी दर्ज हो गया है। और जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के अंदर ये जिस पे आज हम बहस कर रहे हैं, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी,
मैं एक बात और स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि लोग जाति आधार पर बात करते हैं, कुछ धर्म की बात करते हैं, लेकिन यही यूसीसी जहां मिस्र के अंदर, अमेरिका के अंदर, तुर्की के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आयरलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, सूडान के अंदर, इजिप्ट के अंदर ये यूसीसी लागू है। अनेकों ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जहां पे यूसीसी लागू किया गया। मैं रात एक चैनल को देख रहा था, एक चैनल में एक महिला, यदि आप अनुमति दे दें उसका नाम ले सकता हूं, यास्मीन, वो कहती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाह रही उत्तराखंड के कि जिन्होंने यूसीसी लागू किया। और वो ये भी कह रही थी साथ में, कुछ मुल्ला मौलवी हैं जो नहीं चाहते कि हमारे समाज का विकास हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाह रहा हूं। आज सामान्य रूप से चाहे मुस्लिम हो, कोई और जाति के लोग हो, सब आज इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर खुशियां मनाई जा रही है, जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, जगह जगह लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। और माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के जो लोग भ्रांतियां फैलाने का काम करते रहे, आज भी उसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की बात कही जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, और एक तरफ ये बताया जा रहा है इस ड्राफ्ट में ये होने वाला, ये कमियां हैं। आपने पढ़ा नहीं तो उसमें कमियां कहां से आपको दिख गई? अभी आपने उसको देखा नहीं, आपने आपको कमियां कहां से दिख गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्षा जी, 75 वर्ष होने के बाद भी आज आज है हमने तो आपको कहा ही नहीं, मैंने तो आपको कहा ही नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मैंने किसी को, यदि आपको कहा तो आप बोलिए, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप, मैं सभी को बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार और इस यूसीसी के माध्यम से, मैं एक बात कह सकता हूं कि इस यूसीसी के माध्यम से मातृशक्ति को समानता और समरसता का अधिकार मिलेगा। और हमारा समाज, हमारा देश हमेशा नारी को हम लोग पूजने का काम करते हैं। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं, हम भारतीय लोग उस परंपरा के लोग हैं जो, फिर वो शर्मा का तंदूर कांड भी याद होगा आपको, फिर आपको और भी बातें समझ में आएंगी जो नागपुर में महिलाओं के साथ उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या मिला था, वो जो जिसके बारे में चर्चा नहीं हम कर सकते, तो सब बातें आपको फिर समझ में आएंगी। इस बार अभी आप यूसीसी पे चर्चा कर लीजिए, फिर कहेंगे हमें जानकारी नहीं। माननीय अध्यक्षा जी, हम उस समाज के हिस्सा है जहां कहा जाता है यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों का मान सम्मान, यहां तक कि उसे पूजा अर्चना की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। हम तो कहते हैं देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी कि नारियों को सभी प्राणियों में शक्ति यानी दुर्गा के रूप में माना जाता है। यही नहीं, हम लोग नारी को माता यानी अंबिका के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा हम लोग सभी प्राणियों में नारी को शांति स्वरूप यानी मां शारदा के रूप में भी हम लोग मानते हैं। माननीय अध्यक्षा जी, आज जिस प्रकार से सभी नारियों को, यानी कि हर जाति धर्म की नारियों को इसमें समान अधिकार मिल रहा है, साथ में मैं कह सकता हूं बहुत इसमें व्यापक चर्चा हो सकती है। मेरे पास मेरे बहुत से साथी यहां बोलने वाले होंगे, लंबा विषय होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में अपना विषय रखूंगा। और माननीय अध्यक्षा जी, समान नागरिक संहिता में इन विसंगतियों को दूर करते हुए कानूनी अधिकार देने का भागीरथ प्रयास किया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्षा जी, भागीरथ प्रयास, यदि हम इसके भाषा में जाएं तो यह कहना उचित नहीं होगा कि मानव जाति के उत्थान के लिए मां गंगा को धरती पर अवतरित किया था, तो उस समय जो भागीरथ थे, जिनको हम लोग कहते हैं कि भागीरथ
जो थे वो गंगा जी को धरती पे लाए थे, और आज वो भागीरथ मान्य मोदी जी और यहाँ धामी जी हैं जो ईसीसी को यहाँ पर आज लेके आए हैं। मैं इनका अभिनंदन और आपको बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, खाली यूसीसी का विषय नहीं, आप देखिए चाहे नकल अध्यादेश की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो, और चाहे 30% आरक्षण महिलाओं को नौकरी में देने की बात हो, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे इस उत्तराखंड ने पेश किए हैं जो देश में पहली बार हुए हैं। और ये भी इतिहास हमारी उत्तराखंड की धरती पे हमारी विधानसभा आज रचने जा रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ये एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होगा, कहना उचित होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था ये इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम हमारे उत्तराखंड राज्य का माननीय अध्यक्ष जी। और संकल्प से सिद्धि तक जो मूल मंत्र हमारे माननीय धामी साहब का है वो आज हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, इसमें संपत्ति में माता पति पत्नी बच्चों को अधिकार होगा, पिता को अधिकार है, झगड़ा समाप्त करने के लिए यूसीसी लाया गया भाई साहब। और माननीय अध्यक्ष जी जिस प्रकार से यहां कहा जाए कि गुण दोष के आधार पर बात कही जा रही थी कि इस यूसीसी ने 72 बैठकें की, 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए, और माननीय अध्यक्ष जी बड़े अच्छे मन से मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से 20 महीने इस समिति ने काम किया, मैं तो चाहूंगा एक एक व्यक्ति उनको धन्यवाद दे जिन्होंने इस पूरे 20 महीने तक कठिन परिश्रम करके हर जाति हर धर्म हर वर्ग हर क्षेत्र हर जिले यानी माना से शुरू करके पूरे प्रदेश भर में बैठकें की, और 2,32,000 से ज्यादा सुझाव इस मसौदे के लिए उन्होंने पाए और लगातार उस काम को करते रहे। और माननीय अध्यक्ष जी गुण दोषों की बात है तो मैं एक बात इसमें कह सकता हूं कि कहूं अवगुण सोई होत गुण, कहूं गुण अवगुण होत, यानी स्थिति के आधार पे जो कहीं पर अवगुण होता है वो गुण बन जाता है, और कहीं पर गुण माना जाता है वो अवगुण हो जाता है। इसलिए आज इस अवगुण को गुण में परिवर्तन करने का काम हमारे धामी साहब हमारी सरकार यहां पे कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मैं यदि आपको कहूं जिस प्रकार से हमारे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में भी भिन्नता को दूर करने का प्रयास किए गए, लेकिन व्यक्ति की कृषि भूमि में पुत्र पुत्री के अधिकारों का आज भी समानता नहीं है, हम यूसीसी में इसमें प्रावधान करने जा रहे हैं। और पुत्र पुत्री के बारे में हम लोग मानते हैं, सब लोग यहां जितने बैठे हैं, और मैं कह सकता हूं उसमें एक पंक्ति भी चरितार्थ होती है कि पुत्र पुत्री दो अनमोल रत्न है, पुत्र पुत्री दो अनमोल रत्न है, एक मां की दो संतान रूपी धन है, दोनों रत्नों की अलग अलग पहचान है, मां पिता की दोनों ही जान है, पुत्र तो पुत्र राम लक्ष्मण श्रवण का रूप है, पुत्री तो पुत्री लक्ष्मी दुर्गा का स्वरूप है। यानी कि हम पुत्री और पुत्री दोनों को जिस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया माननीय अध्यक्ष जी, तो मैं कुल मिला के माननीय अध्यक्ष जी मैं ये कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं, और माननीय अध्यक्ष जी एक बात मैं बहुत स्पष्ट गोई से कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए जब मैंने अभी जनसंघ की आपके सामने बात रखी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संस्थापक रहे भारतीय जनसंघ के, और उस समय पहले वो कांग्रेस में उद्योग मंत्री रहे 1952 में, उसके बाद जब उन्होंने एक बात रखी
कि देश के अंदर उस समय दो संविधान हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष कर से, वो किसके कारण रहा क्या रहा उस विषय पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन बताना चाह रहा हूं उन्होंने उस समय कहा था कि एक देश में दो विधान दो संविधान दो प्रधान नहीं होने चाहिए, और उस समय उनको नकार दिया गया, उनको तिरस्कृत किया गया, उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देना स्वीकार किया, भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की, और उस समय उन्होंने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान दो विधान दो प्रधान नहीं होने चाहिए, लेकिन उस समय एक ऐसी पार्टी की सरकार थी जो ज्यादातर सत्ता में रही। मेरे भाई लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35 ए खत्म हो उसके ऊपर उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई माननीय अध्यक्ष जी। और मैं कह सकता हूं हाँ, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, ये भाव उस समय हमने पैदा किए थे, उस समय बलिदान हुए थे। और माननीय अध्यक्ष जी, अनेकों वर्षों तक एक पार्टी की सरकार रही, तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति होती रही, जाति आधार पर राजनीति होती रही, और उसके बाद होगा, समय आएगा आदेश भाई, समय आएगा। अरे ये आप लोगों ने कहा था, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा था धारा 370 35 से हट गई, खून की नदियां बह जाएंगी, मारकाट मच जाएगी, लेकिन मैं बधाई देना चाह रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर धारा 370 खत्म होती है, 35 से खत्म होती है, लेकिन कहीं खून का कतरा तक नहीं बहा जाता माननीय अध्यक्ष जी, एक मच्छर को नुकसान नहीं हुआ। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं धामी साहब, आप मेरी बात को इत्तफाक करेंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, चलो तुम भी साथी मान लो यार। मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाह रहा हूं, इनको भी सम्मिलित मान, मैंने भी एक शब्द बोला 2014 में, एक ऐसा व्यक्ति करिश्माई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, इन्हें भी सम्मिलित मान लो, कोई दिक्कत जो देश के अंदर इन तमाम चीजों को किस प्रकार से हल करता है, ये आप सबके सामने है। श्री राम मंदिर 500 वर्ष तक जिस समाज ने प्रतीक्षा की, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, 4.5 लाख लोग कुल मिला के, मैं जानता हूं श्री राम कार सेवा समिति का, मैं जिले का देहरादून का संयोजक रहा हूं, और उस समय जब हम लोग राम ज्योति लेके जाते थे, राम शिला पूजन करते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे माननीय अध्यक्ष जी, एक समय वो आया कि हमें सबको जेल में ठूस दिया गया, अनेकों लोग जेल में रहे, हमारे बहुत साथी यहां पे बैठे, सब लोग जेल में रहे। अभी मैं टिहरी जनपद का चूंकि प्रभारी हूं, 26 जनवरी को मुझे जाने का मौका मिला टिहरी में, आजादी का जश्न गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर था मेरे पास, मेरे दिमाग में माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, सब लोग यहां बैठे, मेरे मन में आया कि चले उस टिहरी जेल को देख के आता हूं, जहां मैं 19 दिन श्री राम कार सेवा समिति के दौरान आंदोलन में मैं जेल में रहा था। मैं गया माननीय अध्यक्ष जी वहां देखने, और जब मैं वहां जाके देखता हूं तो थोड़ा स्वाभाविक है, 33-34 साल पुरानी वो बात, परिवर्तन तो आएगा। तो मेरे से बाहर पत्रकारों ने पूछा कि आपको क्या अंतर नजर आता है, हाँ बिल्कुल, पहले 150 की क्षमता थी, वहां 201 कह दिए, मैं उनको भी मैंने बातचीत की, उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने कहा कि जो गलतियां हुई है उनको सुधारिए, जैसे आप लोगों ने गलतियां की थी वो हम सुधार रहे हैं, आप कर रहे हो हम सुधारेंगे, अभी आप कर रहे हो हम सुधारेंगे। उसके बाद जब पत्रकार पूछते हैं कि आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, तो मैंने अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों और कैसे निकल गया कि पहले हम भगवान श्री राम का नाम लेते थे तो पुलिस गट्टा पकड़ के जेल में डालती थी, आज भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो सम्मान किया जाता है, मतलब ये अंतर दिखाई दे रहा है। आज जय श्री राम बोलना, जो कल तक यानी कुछ समय पहले तक भगवान श्री राम को लोग काल्पनिक कहते थे,
भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती थी, हमारे साथी जानते होंगे, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई कि भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, राजीव गांधी जी और पीवी नरसिम्हा राव के समय ये चलो चलो जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम अच्छा है। चलो आज स्वीकार तो कर रहे हैं, जय सियाराम। सीता माता को भी याद करिए, सबसे पहले जय सियाराम जी। अब क्या होता है, जय सियाराम भैया, जय सियाराम, जय सियाराम, दूसरे को पता चल जाएगा। आपस में तय कर लो पहले कौन बोलेगा। प्रेम से लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं प्रेम से ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी, राम लला हम आए थे। एक मिनट, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अरे आज ये आज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बदलाव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, घरों में पूजा अच्छा नहीं होती क्या? बदलाव हमने जब से पैदा हुआ हमने देखा है कि भगवान पुरुषोत्तम जो है रामचंद्र जी का हमेशा जो है वो उसका दिव्य और भव्य जो है आयोजन होता है, तो रामलला के नाम पर हम लोग मनाते हैं। ये कोई वो नहीं, वो तो ये मेरे उत्तराखंड भगवान राम के नाम पर उत्तराखंड सबके हैं, तो ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, बदलाव आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, भगवान राम ने टेंट में रह के लड़ाई लड़ी, वो उनको तो बाहर कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, भाई हमारे आज भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे राजनीतिक स्वार्थ नहीं ढूंढते हैं भगवान में, हमारे देखिए, यदि स्वार्थ की बात होती तो यूसीसी बहुत पहले आ गया होता। स्वार्थ यदि आप लोग नहीं करते तो यूसीसी बहुत पहले आ गया होता। नहीं, मैं हमारे माननीय धामी साहब, तो प्राण प्रति तभी तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में बाइकॉट नहीं किया आप लोगों ने। वहाँ पे जो है आप बीजेपी के विधायक नहीं, आप पूरे प्रदेश के जो है संसदीय कार्य मंत्री, उस भाव से बोलिए। जब कोई विरोध करेगा तो हमें बात दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले हम लोग चूंकि मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, और आरएसएस जिसे बोलते हैं उसका एक मूल जो भाव है देश के अंदर इस संस्कृति को लाना है। 1925 से लेकर लगातार हम एक ही बात करते थे कि सनातनी परंपरा वापस आनी चाहिए जो पिछले 75 सालों में नष्ट हुई। और माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जब वो आए तो मैंने उनसे एक ही बात कही, उस समय माननीय प्रांत प्रचारक जी को कि नाम लेना ठीक नहीं होगा, मैंने उनसे कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भाव था वो आज इसलिए पूरा हो रहा है कि कल हम वंदे मातरम बोलते थे तो हमारी मजाक उड़ाते थे, आज सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाई भी आज जय श्री राम बोल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये आज सारे काम पूरे हो रहे हैं। मैंने ये 1986 की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, तो 1986 के बाद भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया, ये मेरे साथी बता दें। क्यों इतने साल लगे? सुप्रीम कोर्ट में फौज किसने खड़ी की? वकील ने फौज किसने खड़ी की? क्यों कांग्रेस के नहीं आम काम नहीं किया? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जियो दिखा दो, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया।
माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से धारा 370-35 इस देश से हटी, जिस प्रकार से तीन तलाक इस देश से खत्म हुई, जिस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में इस 22 जनवरी को हुई, ये हम सबके आंखों के सामने हमने देखा। और आज जीओसीसी हम यात्रा जो करेंगे उस संकल्प के साथ, माननीय अध्यक्ष जी, सभी को आज बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, मेरे तमाम साथी यहाँ बोलेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से विवाह में, संपत्ति में, तलाक में, एडॉप्शन में, ये समान नागरिक संहिता में उन महिलाओं को संरक्षण मिलेगा, जो संहिता यार बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, और जिस प्रकार से जिन बहनों के साथ एक पत्नी, बहुपत्नी, ये जो अनेकों जो विसंगतियां थी, इसमें उसमें उनको अधिकार मिलेगा, शादी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, साथ में जो रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें किए गए हैं। और मैं चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पर्ची के बिना ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं। मुझे याद है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी 2023 को दुष्यंत गौतम की एक दो पंक्तियां कही थी, मैं वो दोहराना चाह रहा हूं। दुष्यंत जी की, तुम्हारे जो हमारे साथी उन्हीं के लिए शायद ये पंक्तियां कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, इसलिए और 9 फरवरी 23 को ये बात फिर उन्होंने कही थी कि कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल, कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो देश के अंदर एक यूसीसी लाके एक इतिहास बनाने का काम किया। हम सारे यहाँ आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं। ये जो भवन है ये भी साक्षी बनेगा, और जब जब 6 फरवरी का दिन आएगा, उसी प्रकार जैसे 22 जनवरी का दिन आएगा पूरा देश खुशियां मनाएगा, उसी प्रकार 6 फरवरी का दिन आएगा ये प्रदेश खुशियां मनाएगा, देश खुशियां मनाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी,